नमस्कार, मैं हूं नागिन के साथ। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ ग्राउंड न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं नगर पंचायत राजिम में, और मेरे साथ मौजूद हैं विनीत पारक जी, जो कि नगर पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर खुलासा करते जा रहे हैं। और इस बार जो है फिर से एक और नए खुलासे के साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं जी। विनीत जी, सबसे पहले आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। और इस बार जो है आप किस चीज़ का, क्या भ्रष्टाचार का खुलासा करने जा रहे हैं नगर पंचायत का, इस मामले में विस्तृत से बताएं। इस बार मैं ट्यूबलेट पोल का मामला उठाने चाह रहा हूँ। इसमें दिनांक 16/9/2022 को नगर पंचायत द्वारा एक टेंडर निकाला गया, टेंडर क्रमांक 109578, जो कि ट्यूबलेट पोल के संबंधित था। और 13/1/2023 को इसका कार्यदेश वर्धमान ट्रेडर को दिया गया है। ये टेंडर में गड़बड़ी की जांच स्वयं मुख्य अभियंता कर रहे हैं। इसमें अनियमित तौर से जो टेंडर जारी कर दिया गया था और टेंडर में जो गड़बड़ी हुई है, तो इसकी जांच स्वयं मुख्य अभियंता मतलब जो चीफ इंजीनियर है वो कर रहे हैं। दिनांक 22/2/23, 22/5/2023 और जो अभी वर्तमान है अशोक सलामी जी, 9/11/2023 को उनके कार्यकाल में इनको नोटिस आ चुकी है, जिसमें जांच कर निविदा निरस्त करने बाबत स्वयं मुख्य अभियंता ने इनको आदेश दिया है। उसके बावजूद भी नोटिस को नज़रअंदाज किया गया सलामी जी के द्वारा। चौथे महीने में 6/4/2023 को इंजीनियर ने ठेकेदार को नोटिस जारी की थी कि काम गुणवत्ताहीन है, सुरक्षा का नियम मतलब ध्यान में नहीं रखा जा रहा है, अन्यथा की स्थिति में आप जवाबदार होंगे। काम गुणवत्ताहीन था इसीलिए ये नोटिस जारी हुई थी जी। अगर नस्ती के पेज क्रमांक 19 और 20 को देखेंगे तो दिनांक 7/8/2023 में उन्होंने एक पेमेंट के लिए रिपोर्ट तैयार की थी कि टेस्ट रिपोर्ट एवं फोटोग्राफ संलग्न है, उसमें स्पष्ट लिखा गया है लाइन में जी जी। जो कि ये दिखा सकते हैं कि अपने पास जी वो वाला पेज अगर दिखा दें ये जी जी, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, उक्त कार्य उप अभियंता के पर्यवेक्षण में निर्धारित मापदंड एवं गुणवत्ता के अनुरूप किया गया है। तैयार किया गया जाकर निर्माण कार्य का टेस्ट रिपोर्ट एवं फोटोग्राफ संलग्न है जी। तो अगर भाई टेस्ट रिपोर्ट संलग्न था, हमने सूचना के अधिकार के अंतर्गत जब जानकारी मांगी कि हमें टेस्ट रिपोर्ट दी जाए, तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा के आया है हमारे पास, गुणवत्ता जांच रिपोर्ट से संबंधित 3 बिंदुओं की जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर निरंक है। ये मेरा नाम है विनीत पारक, 11/11/2023 को हमने आवेदन लगाया था, 20/11 को हमको ये जवाब आया। तो जब इनके पास अगर गुणवत्ता जांच रिपोर्ट है ही नहीं, तो ठेकेदार को किस बेस पे इनको पेमेंट किया जा रहा है, इसमें सरासर मिलीभगत का मतलब अंदेशा हमको है कि सलामी जी एवं इसमें जो इंजीनियर जो इसमें थे और PWD के लिपिक जो देव नारायण पटेल है, समय सीमा पर आज तक थे। आज दिनांक लगभग आज 2024 लग चुका है जी। उस तक काम कंप्लीट नहीं हुआ है। क्या अशोक सलामे या क्या PWD लिपिक के द्वारा एक भी नोटिस ठेकेदार को जारी की गई या उनको कोई पेनाल्टी लगाई गई, क्योंकि समय सीमा सिर्फ 4 महीने की ही दी गई थी काम पूर्ण होने पर। तो ये सब इसमें कई सारे तथ्य हैं जो मतलब जिसमें अपने को देखना जरूरी है कि एक तो बिना गुणवत्ता जांच के इनको पेमेंट कैसे किया गया, भाई कहीं ना कहीं इसमें फिर कमीशन भी लिया गया होगा अगर गुणवत्ता जांच गलत। और इसमें मुख्य अभियंता जो सॉरी उप अभियंता जो खुशबू रामटेके और देवनारायण पटेल ने जो नस्ती तैयार की है, जिसमें लिखा गया कि गुणवत्ता जांच रिपोर्ट संलग्न है, अगर संलग्न है तो वो हमें क्यों नहीं दिखा रहे, और अगर संलग्न नहीं है और उसके बाद भी पेमेंट हुआ है तो ये तो सरासर अपराध है। तो इसमें अपन जाँच की मांग करते हैं, और जाँच कर अगर ये सही पाया जाए तो उसमें निलंबन की भी इस बार बर्खास्त की हम मांग करते हैं अशोक सलामे, खुशबू रामटेके और देवनारायण पटेल। विनीत जी, एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जो है पेमेंट का जो कितना तक का पेमेंट कर किया जा चुका है, इससे कुछ जानकारी है? ये लगभग 30,12,000 का ये टेंडर था, इसमें कुल मिलाकर लगभग 26 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया गया जी जी, जिसमें पेमेंट का भी रसीद हमारे पास उपलब्ध है अभी तो। अच्छा, ये ऐसा है क्या जो है पेमेंट जो जब दिया गया और जो निविदा निरस्त का जो आवेदन है वो कब कब है, थोड़ा सा इसको क्लियर करेंगे क्या? ये दूसरा महीना में 20 तारीख दूसरा महीना 2023 में आया है पहला, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये 20/2/2023 मुख्य नगर पालिका अधिकारी संचालनालय मुख्य अभियंता द्वारा एक आया है जी। इसके बाद दूसरा आया है 22/5/2023 मुख्य नगर पालिका अधिकारी मुख्य अभियंता ने भेजा है, और उसके बाद जो अभी वर्तमान CMO है अशोक सलामे, उनके कार्यकाल में भी आ चुका है 9/11/2023 109578 जांच कर निविदा निरस्त करने बाबत। यह CMO द्वारा अभी कहा जा रहा है कि हमें कुछ जानकारी नहीं है,
अगर वो अपने कार्यालय में अपने सही समय पे ऑफिस टाइम में बैठे और ऑफिस का काम को सही से ध्यान दे तो उनको पता होना चाहिए कि 9/11/2023 को इस चीज़ की जांच के आदेश मुख्य अभियंता द्वारा किया गया है। टेंडर ई टेंडर क्रमांक 109578 इससे साफ जाहिर होता है कि ये पेमेंट कब किया गया है। ये पेमेंट लगभग 8वें महीने में ये पेमेंट हुआ है। 8वें महीने में ये देखिए जी, ये 7/8/2023 को तैयार किया गया था जिसमें लिखा गया था कि जाकर निर्माण कार्य टेस्ट रिपोर्ट संलग्न है और ये 26 लाख की लगभग कुल राशि, कुल देयक राशि 26 लाख की लगभग है। मतलब स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं जो है गड़बड़ी स्पष्ट रूप से देखी जा रही है जिस प्रकार से यहाँ पे कागज उपलब्ध है विनीत पारक जी के पास। और इस संबंध में हमने जो है मुख्य नगर पालिका अधिकारी अशोक सलामे से उनके ऑफिस में जाकर कई बार हमने संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन अधिकारी ऐसे हैं कि अपने जो है जिम्मेदारी से और कहा जाए तो अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 3 से 4 बार हम उनके ऑफिस में गए लेकिन कभी भी वह अपने ऑफिस में अपने कार्यालय में अपने केबिन में उपस्थित नहीं रहे। तो आप समझ सकते हो कि ऐसे जिम्मेदार अधिकारी जो है नगर का भार लिए, नगर का प्रभार लिए काम कर रहे हैं और कभी भी वे उपस्थित नहीं रहते। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट ये है कि जो है विनीत जी के जिस प्रकार से विनीत जी ये बताएं कि इस संबंध में आपने कहाँ कहाँ शिकायत की है। इसमें हमने मुख्य अभियंता को भी शिकायत की है, इसमें हमने संचालक जो सारांश मित्तर साहब हैं उनको भी शिकायत की है और ये हमारा अभी लोक आयोग में हमने अभी भेजा है। अब ये लोक आयोग में अब केस गया है, वहाँ पर देखते हैं हमें न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है। दूसरा, इसमें सीएमओ द्वारा ये बोला जाता है हर बार मीडिया वालों को कि जाँच का विषय है। अगर जाँच का विषय है तो इसमें किस बेस पे ठेकेदार को पेमेंट किया जा रहा है, और अगर वो खुद के ही काम में अगर वो बोल रहे हैं कि वो जांच का विषय है तो ये तो सरासर मतलब खुद का विरोध हो रहे हैं। जी जी। और अगर जांच का विषय है तो इसमें कौन करेगा जांच? उन्होंने अपने तरफ से क्या कदम उठाया कि इस मामले की जांच हो या इस मामले में न्याय मिले या इस मामले में जो हम आरोप लगा रहे हैं उसे गलत सिद्ध करने के लिए क्या क्या कार्रवाई उन्होंने की अपनी तरफ से, इसकी जानकारी हमें वो दे। नहीं तो हम तैयार है उनके सामने इस चीज में डिबेट करने के लिए कि यह कार्य गलत तरीके से हुआ है, पेमेंट को गलत तरीके से ठेकेदार तक पहुँचाया गया है, इसमें गलत दस्तावेज तैयार हुए हैं, इसमें फर्जी तरीके से बिल तैयार हुआ है और इसमें जो जो कमियां हैं हम उनके सामने पूरा पेपर सहित हम साबित करने के लिए तैयार है। अगर वो बैठना चाहे तो हम बिल्कुल राजी हैं। जी, तो ये थे हमारे साथ विनीत पारक जी जिन्होंने आज नगर पंचायत राजिम अंतर्गत हो रहे ट्यूबलेस पोल के संबंध में जो है खुलासा किया। और वाकई में ये देखने वाली बात यह है कि नगर पंचायत के सीएमओ जबकि 3 से 4 बार मैं ऑफिस जाने के बाद भी वे अनुपस्थित रहे, आप समझ सकते हो कि ऐसे अधिकारी अगर नगर पंचायत चला रहा है तो कहीं ना कहीं जो है नगर के अहित में ऐसा जो अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं इनके ऊपर मैं चाहता हूँ कि जो उच्च अधिकारी हैं विनीत पारक के आवेदनों को संज्ञान में लें और तत्काल कार्रवाई कर जो है अधिकारी के विरुद्ध उचित कार्रवाई जरूर करें। नगर हित की बात है, राजिम नगर एक तो धर्म का नगर है और इस प्रकार से यहाँ पे भ्रष्टाचार का नगरी के रूप में परिलक्षित होता नजर आ रहा है। तो धन्यवाद, मैं हूँ नागिन साहब।